हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चाट, समोसे, दही बड़े, पकौड़े, सभी के साथ खाने वाली बहुत ही टेस्टी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पे लिया है मैंने 100 ग्राम इमली, जिसे मैंने 5 घंटे पहले 1 कप गुनगुने पानी में भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं इमली बहुत अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे मैश कर लेंगे, उसके बाद 1 कप पानी इसमें और ऐड करेंगे। उसके बाद किसी छन्नी या स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे, इमली के पल्प को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने छान लिया है, इमली का पल्प अलग कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे चटनी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हैं ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरे को चटकने देंगे। उसके बाद 2 तेज पत्ता और इसके बाद 2 लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। इन चीजों को थोड़ा सा भून लेंगे हम और बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है तेज पत्ता, जीरा और लाल मिर्च चटनी में। और इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है इमली का पल्प जो हमने छान कर रखा था। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच सादा नमक। काला नमक जरूर डालिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इमली की चटनी में। और ये 1/2 चम्मच सादा नमक। तो यहीं पर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप गुड़ का पाउडर और 1/2 कप चीनी। आप जितनी भी इमली लें मीठा सीधे उसका आप डबल डालें, क्योंकि इमली बहुत ही खट्टी होती है, इसलिए थोड़ा सा मीठा इसमें ज़्यादा डलता है। तो मैंने 1/2 कप इमली ली थी, इसलिए इसमें मैंने 1/2 कप गुड़ और 1/2 कप चीनी ऐड की है। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इमली की चटनी को अच्छे से 5 से 7 मिनट तक हम उबाल लेंगे, उसके बाद ये चटनी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी अच्छे से उबल रही है। और जो खड़े मसाले हमने डाले हैं उसे आप अलग भी कर सकते हैं चटनी बनने के बाद, और चीनी या गुड़ जो भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए हमारी चटनी थोड़ी थोड़ी अब गाढ़ी हो चुकी है और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो फ्लेम को मैं अब बंद कर दूंगी, क्योंकि ये चटनी ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। आप इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे खरबूजे के बीज डाल रही हूँ, आप चाहे तो किशमिश, छुहाड़े, नारियल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उससे भी। तो हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ठंडे होने के बाद आप किसी कंटेनर में भरकर 1 महीने तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, दही बड़े, पकौड़े, चाट किसी के भी साथ बहुत ही बढ़िया जाती है। तो ये देखिए चटनी ठंडी हो चुकी है और ये देखिए ये और भी गाढ़ी हो चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।